Viewers, yesterday I told you about the pivot table which I will show you to revise. Here I have taken the database in which you get year, brand, week, month, region, state, city, customer name, quantity, price and amount. Now you have to create the pivot table. So select this old data. And make a pivot table. Select it again, it is not selected. And insert pivot table. In pivot table, you have to define the location where you want the data, existing worksheet or new worksheet. You set existing, then here you have to give the position of the pivot table, but it is too big, so take the new sheet. Okay, here you have to insert the different field to your database for quantity. And then column, in column you can write a region, a state. Suppose this is, so it is showing Bihar, UP, BPL, kahan kahan pe bika, kitna bika. Aur agar aap date wise ise dekhna chahte ho, month wise, so you can use month to see properly. You have to move this month from this place to this place, so you will get a month wise report. You can also get the city wise report. You can also get the region wise detail. रायपुर के किस रीजन में बिका. यू कैन गेट वीकली रिपोर्ट. इस तरह से आप डिफरेंट रिपोर्ट इसमें बना सकते हैं. और इसका चार्ट भी बन सकता है. उसके लिए आपको डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसका चार्ट बनाना पड़ेगा. यू सेलेक्ट दिस pivot chart, take a pie chart, then you will get the chart also. Here is an advanced facility in this pivot table is analysis. If you use the analysis, then you will get a different type of month wise kara hai isne. Refresh kiya, field list yahan se dikh rahi hai. और पिवट चार्ट फिल्टर अगर लगाना है तो यू कैन यूज फिल्टर. यहाँ पे ब्रांड और सिटी लिया है. और अगर आपको इसमें लेबल लगाना, ऐड डेटा लेबल, तो वो डेटा लेबल भी लगाएगा. थ्री डी रोटेशन भी कर देगा. यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो. मान लो थोड़ा से हमने कर दिया. ओके, ये रोटेट हो जाएगा. यहाँ पर एनालाइज में और क्या हो सकता है, फॉर्मेट अगर करना है तो यहाँ पे पाई चार्ट टूल डिज़ाइन में गए. यहाँ पर परसेंटेज लाना है तो परसेंटेज आ जाएगा. बीपीएल का आ रहा है, बॉश का आ रहा है. और मेरे ख्याल से राजू सेलेक्ट नहीं हुआ था शायद, इसलिए नहीं आ रहा है. और इस तरह से आप ये बना सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पे लेआउट भी दिया हुआ है. यहाँ पे चार्ट टाइटल भी दी हुई है. यहाँ पे लीजेंड दिया हुआ है. यू कैन शो द लीजेंड एट राइट, ये आ गया. यू कैन शो डेटा लेबल आउटसाइड, बाहर आ जाएगा. इस तरह से सारा हम बना सकते हैं. तो कल का जो था उसमें थोड़ा सी वॉइस कम हो गई थी. आज हम ट्राई करेंगे कि वॉइस बनी रहे. और इस तरह से ये पुराने डेटा में हमने फिर से बता दिया, यस कर दिया. अब हमारे पास दूसरा है जिसमें हम टाइमलाइन बताएंगे. उसके लिए हमें डेटा चाहिए, डेट और प्रोडक्ट और क्वांटिटी. अब इसका हम कैसे बनाते हैं पिवट टेबल, ये पूरा हम दिखाएंगे आपको. इसको पूरा सेलेक्ट करिए
और पिवट टेबल में जाइए, इंसर्ट पिवट टेबल, यहाँ पे ये लिया, लोकेशन एग्जिस्टिंग वर्कशीट, ओके किया, डेस्टिनेशन रेफरेंस इज नॉट वैलिड, यहाँ पर इसको ये क्लिक करना पड़ेगा कि किस पोजीशन पे आए, जब ये आ जाएगा तो हम डेट डेट प्रोडक्ट और क्वांटिटी को ले लेंगे। अब डेट को हम प्रिंटर में डाल देते हैं तो उससे प्रॉपर वे से पता लगेगा, या कॉलम में डाल दें तो भी पता लगेगा। तो अभी हम फिल्टर में डालते हैं, यहाँ पर डेट वो कह रहा है सारी लेनी है कि कुछ लेनी है, तो मान लो हमने केवल 18। सेलेक्ट मल्टीपल आइटम, अब इसमें 18 ईयर्स वाला केवल लिया तो केवल वही आएगा, लेकिन अगर हम इसको चेंज करेंगे तो सारा आ जाएगा। इसको सेलेक्ट ऑल कर दिया तो सारे का सम दिखाएगा। अब ये डेट अगर हम यहीं पे डाल दें तो डेट वाइज भी दिखा देगा कि किस डेट पे कितना सेल हुआ है। अब इसको हम मान लो कुछ चेंज करते हैं, यहाँ पे ओवन हमने किया 15, तो यहाँ पर भी चेंज होगा। उसके लिए हमें ऑप्शन में जाना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश ऑल, तो ओवन जो होगा वो 3 तारीख पे, देखो 15 हो गया, यहाँ पे 15 किया था ना, वो 3 तारीख पे 15 हो जाएगा। अभी क्या है, चेंज डेटा सोर्स, अगर डेटा सोर्स बदल देंगे तो ये भी बदल जाएगा, क्लियर कर देंगे तो पिवट टेबल हट जाएगी, सेलेक्ट कर देंगे तो एंटायर पिवट टेबल सेलेक्ट हो जाएगी, एनेबल सेलेक्शन, जितना हम सेलेक्ट करेंगे उतना सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें हम करें। पिवट चार्ट अब क्या बनता है, इसमें भी जैसे वहाँ पे चार्ट बनाते हैं तो वैसे यहाँ पे भी बनाएंगे, ठीक है। इसको अब इसको ये किया, ठीक है। अब पिवट चार्ट जब बना तो इसका मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, इसमें परसेंटेज वाइज दिखा देते हैं, या ये क्लियर हो गया, देखो सारा टाइटल आ गया, सब कुछ आ गया, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं टाइप, मान लो कॉलम ले लिया तो ये चेंज हो जाएगा, लेकिन ये क्लियर नहीं आ रहा, इसलिए हमारा पाई चार्ट ही सही है, चेंज चार्ट टाइप, चेंज चार्ट टाइप, यहाँ पे पाई चार्ट, इसका ये वाला ले लिया, या ये ले लो, कुछ भी ले लो, ये आ गया। इस तरह से हम चार्ट बना सकते हैं, और इसको सेव एज टेम्पलेट भी कर सकते हैं, अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लग रही है तो इसको सेव कर सकते हैं, इसमें एनालिसिस कर सकते हैं, है ना, एंटायर इसका ये एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्या चीज़ क्या हुई यहाँ पे, और फिल्टर कर सकते हैं, पिवट चार्ट फिल्टर, ये आ गया, फॉर्मेट कर सकते हैं, और इसको सेलेक्ट करो तो एनालिसिस में आए, इसको सेलेक्ट किया, डेटा सेलेक्ट, हम केवल फ्रिज का भी दिखा सकते हैं, तो केवल फ्रिज का दिखाना है तो ओवन और टीवी अगर हम बंद कर दें, है ना, तो ये देखो केवल फ्रिज का आ गया, केवल फ्रिज का डिटेल दिखाएगा, उसका नहीं दिखाएगा, मान लो फ्रिज बंद कर दिया, ओवन खोल दिया तो केवल ओवन का दिखाएगा। इस तरह से हम डिफरेंट टाइप से रिपोर्ट बना सकते हैं। पिवट टेबल के ऑप्शन में है मूव पिवट टेबल, अब मूव पिवट टेबल करें, हमने कहा इस शीट में नहीं चाहिए, हमें दूसरी शीट में चाहिए, तो दूसरी शीट का पोजीशन अगर दे दोगे तो वहाँ पर पिवट टेबल मूव हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से देखो चली गई पिवट टेबल। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी इसी तरह कर सकते हैं, इसको किया एनालाइज में पिवट टेबल टूल, वहाँ पे आए फॉर्मेट एनालाइज,
अब शीट को मूव कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। अब शीट को वापस लाना, कंट्रोल जेड कर देंगे, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी ज़्यादा है, हम कायदे से देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जाकर अभी हम और भी सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ एनालाइज किया, फॉर्मेट किया, इसको सेलेक्ट करा, इसका देखो कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रिफ्रेश मैच स्टाइल हो गया, फॉर्मूला लेआउट में जा कर के सेलेक्ट डेटा चेंज कर सकते हैं, सेव एज टेम्पलेट कर सकते हैं, टेम्पलेट हमने पढ़ाया है, मूव चार्ट भी देखो है, लोकेशन चेंज हो जाएगी, जहाँ पे हमने शीट भेजी थी वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे शेप है, टेक्स है, फॉर्मेट है, ये तो चार्ट का डेटा लेबल सेंटर में हो, बाहर हो, इनसाइड हो, आउटसाइड हो, बेस्ट फिट दे दिया हमने। लीजेंड में अभी लीजेंड नहीं कर रहा, शो लीजेंड एट टॉप कर दिया, ये लीजेंड आ गया। लीजेंड को टॉप में अच्छा नहीं लग रहा, शो लीजेंड एट बॉटम राइट में कर दिया, लेकिन दिख ही नहीं रहा है, तो टॉप ही सही है, लीजेंड एट टॉप ऊपर प्रॉपर दिख रहा है। अब चार्ट टाइटल अगर करना है, सेंटर ओवरले टाइटल, अब चार्ट सेंटर ओवरले में देखो क्या होगा, बीच में ये सही नहीं है, तो चार्ट अब सही है। यहाँ पे मोर ऑप्शन है, यहाँ जा करके क्या करना है तुमको, अलाइनमेंट किधर है, शेडो डालना है, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, ये सारा चीज कर सकते हैं। और क्या है इसमें देखो, टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं, शेप, पिक्चर कुछ डालनी है डाल सकते हैं, फॉर्मेट सिलेक्शन, यहाँ पर ग्रेडियंट कर दिया तो ग्रेडियंट आ जाएगा। अभी हमने नहीं किया है, और क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कलर हमें दिखाना है। इस तरह से हम पिवट टेबल में सब काम कर सकते हैं, डेटा लेबल हो गया, लीजेंट हो गया, डेटा टेबल है ही है ये, और एक्सेस टाइटल अगर डालना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक्सेस है ही नहीं है, यहाँ पे तो पाई चार्ट है, इसको और चेंज करके अब देखें एक बार, डेटा लेबल, फॉर्मेट सेलेक्शन, मैच स्टाइल, फॉर्मेट में, एनालाइज में, लेआउट में, डिज़ाइन में ये आया। अब यहाँ पे चेंज टाइप किया, हमने मान लो ले लिया लाइन टाइप, ओके। अब लाइन टाइप में तो और नहीं दिख रहा है ना, तो ऐसा कुछ लेना चाहिए हमेशा जो समझ में आए, तो बेस्ट इसके लिए। अब बार चार्ट लेके देख लो, इसको किया, ओके किया, इसमें भी नहीं समझ में आ रहा है, अब फिर क्या करें, पाई चार्ट ही ले लें, वही सही है, इसको किया, इसको करके देख लो, ओके। जी इसमें देखो अच्छे से दिखा रहा है, ठीक। फ्रिज का अलग दिखा रहा है, टीवी का अलग दिखा रहा है, ओवन का अलग दिखा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से बेस्ट हमारे लिए यही वाला है ना, ना? कौन सा वाला था, ये वाला था, या ये वाला ले लो, ओके। बेस्ट हमारे लिए यही वाला है, क्योंकि इसमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। तो बच्चों ये एडवांस एनालिसिस भी हो गया तुम्हारा, और फॉर्मेट कुछ चेंज करना तो कर लो, डिज़ाइन यहाँ से ले ही लिया हम लोग ने, परसेंट दिखा ही रहा है, मोर चार्ट इसमें दिखा रहा है, अगर कुछ है तो ले सकते हैं। अलग अलग भी हम बना सकते हैं, फ्रिज मान लो लिया हमने केवल, लेकिन जरूरत क्या है हमको, जिसको नहीं देखना उसको बंद कर दे। ये देखो आ गया, फ्रिज का अलग आया, अब ओवन का आ गया, ओवन के बाद आया, ओवन नहीं देखना है, फ्रिज देखना है,
फ्रिज कर लेंगे, टीवी कर लेंगे, फ्रिज ओवन बंद कर दिया, ठीक है। अब फ्रिज देखना है तो फ्रिज टीवी बंद कर दिया और फ्रिज खोल दिया, तो इस तरह से अलग अलग भी चार्ट बन जाएगा। आज यहीं पे खत्म करते हैं, ये एडवांस भी आपका हो गया। पिवट टेबल में ऑप्शंस, रिफ्रेश, चेंज डेटा सोर्स, क्लियर सेलेक्ट, मूव पे, पिवट चार्ट, फॉर्मूला में आप फॉर्मूला में कैलकुलेट फील्ड, कैलकुलेट आइटम, लिस्ट फॉर्मूला करिए, वहां पर आ जाएगा। यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, आप जा करके फील्ड सेटिंग करेंगे। यहाँ पे देखो अभी परसेंट में काउंट आना चाहिए हमारा, तो काउंट आ जाएगा, ये देखो, है ना। यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम सेट कर सकते हैं, यहाँ से मैक्सिमम किया तो ये मैक्सिमम आ जाएगा। किसका सेल सबसे ज्यादा, किस महीने में किस दिन में हुआ है, मिनिमम निकालना है तो यहाँ से जा करके मिनिमम कर लेंगे तो मिनिमम आ जाएगा। इस तरह से हम डिफरेंट कैलकुलेशन करके डिफरेंट रिपोर्ट बना सकते हैं। अभी तो हम सम ही कर रहे हैं और इस तरह से दिखा रहे हैं। ओके व्यूअर्स, नाउ टुडे आई एम क्लोजिंग। इफ यू लाइक दिस, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू अदर्स एंड लर्न इट फॉर द एग्जाम। टेबल को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के फॉर्मेट में चेक कर ला है। यहाँ पे बैंडेड रो, ये बैंडेड कॉलम, ये आ गया। इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेट है। रिपोर्ट लेआउट में शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, शो इन आउटलाइन फॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म की रिपोर्ट है, टेबुलर फॉर्म, ग्रैंड टोटल ऑफ, ऑफ कर देंगे तो हट जाएगा ग्रैंड टोटल, ऑन कर देंगे तो रो एंड कॉलम। देखो फ्रिज टोटल आया, फिर ओवन टोटल आया, फिर टीवी टोटल आया, सब टोटल लेंगे, डू नॉट शो सब टोटल। अभी हमारे पास कुछ सब टोटल है ही नहीं है, इसलिए नहीं ले रहे हैं। इस तरह से पूरी रिपोर्ट को कर सकते हैं। इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, इंसर्ट रिमूव ब्लैंक लाइन कर सकते हैं। अभी हमें जरूरत ही नहीं, ब्लैंक लाइन की कोई जरूरत ही नहीं है। और इस तरह से चार्ट पोर्शन एग्जाम में पूछता है, व्हाट इज अ चार्ट, टाइप ऑफ चार्ट एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट, व्हाट इज लीजेंड, व्हाट इज टाइटिल, व्हाट इज एक्सेस, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। जब तुम बार चार्ट लोगे तो आएगा यहाँ पर, चेंज करोगे जब फॉर्मेट को तो यहाँ पे चेंज चार टाइप आएगा। वहां पे देखो ये तुम्हारी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मिलेगी, ये वाली वाई एक्सेस है, ये वाली एक्स एक्सेस है, तो उसपे तुमको टाइटल को सेट करना पड़ेगा। और मैनेज टेम्पलेट, अगर पहले से मिला है तो टेम्पलेट यूज कर लो। सो क्लोजिंग, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पोर्शन। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू अदर्स। थैंक यू।